यूपी के हमीरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गौ वंश पालन में लापरवाही बरतने के चलते ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई हो गई, जिसके चलते कर्मचारी संगठन इकट्ठा हो गए। इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया गया तो वहीं कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन भी कर डाला। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और अपनी बातें भी रखी गयी है। बताते चले, यूपी के हमीरपुर जिले में गौवंश पालन में लापरवाही बरतने के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई थी, जिसके चलते सदर मुख्यालय के चौराहे भी मंदिर प्रांगण में जिले के ग्राम विकास अधिकारी इकट्ठा हो गए, मीटिंग कर प्रदर्शन करने लगे। कर्मचारियों की मांग है कि गौवंश पालन में सभी की जिम्मेदारी हो, भूसे की व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिसके चलते अपनी जिम्मेदारियों को लोग समझ सके। अकेले ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी आज जो हमारी मांग है, हमारे साथी महेंद्र कुमार पांडे का निलंबन किया गया है। इसके पहले एक दिन पहले CDO साहब ने भी वहाँ निरीक्षण किया था, सब कुछ अच्छा पाया और सचिव की तारीफ की थी कि आपने अच्छा काम किया, और एक दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि उसी साथी का निलंबन कर दिया गया। हमारी मांग ये है कि जब तक हमारे साथी का निलंबन वापस नहीं होता महेंद्र कुमार पांडे का, और हमने 3 दिन का समय मांगा दिया है कि 3 दिन के अंदर आप बहाल करिए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे और कार्य बहिष्कार कर देंगे और अंडा पशुओं की व्यवस्था पर हम लोग नहीं संभालेंगे। आपका नाम? ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ हमीरपुर।